हेलो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मैं आज तीन बड़े अपडेट देने वाला हूं। सीबीआई को लेकर, एनसीबी को लेकर और सुशांत के सभी दोस्तों को लेकर। हाँ दोस्तों, उन दोस्तों को लेकर जो कि खुद को बहुत ही अच्छा दोस्त बताते थे और उनके साथ अपना जीवन यापन करना चाहते थे, उनको लेकर। तो दोस्तों, ये तीन अपडेट जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। एक आप लोगों से गुजारिश है, इन अपडेट्स को सभी एसएसआर के पैंस तक जरूर पहुंचाना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स लगातार मिलते रहे। तो दोस्तों, पहला अपडेट मैं देना चाहता हूँ सीबीआई की तरफ से, हाँ, कि सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ ऐसा मिला है, ऐसा प्रूफ मिल चुका है जिसकी वजह से सीबीआई ने और अधिक टाइम मांगा है। हाँ दोस्तों, अभी इस एसएसआर के केस में दो एंगल हैं, एक मर्डर और एक है दोस्तों, आप लोगों को पता है, सुसाइड। तो दोस्तों, इसमें सुसाइड एंगल तो कैंसिल हो चुका है क्योंकि सुसाइड एंगल में हमेशा जांच मुश्किल से एक या दो महीने ही चलती है, और कोई भी जांच एजेंसी होती है वह एक दो महीने में या तीन महीने में ही बता देती है। लेकिन एसएसआर के केस में कुछ अलग ही एंगल निकला है। पीआई को दोस्तों 13 जून और 14 जून के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है। 13 जून 14 जून के बीच यानी आधी रात को जो बयान सिद्धार्थ ने दिया था रात के 1 बजे वाला, बस वहीं से दोस्तों सीबीआई और एनसीबी का शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, वही कारण है सिद्धार्थ को बुलाया गया। एक और सबसे बड़ी बात, सीबीआई को एसएसआर के केस में 8 जून से लेकर 14 जून के बीच कुछ ऐसे दोस्तों प्रूफ साबित हुए हैं, यानी ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से सीबीआई का शक किन लोगों पर जा रहा है ये तो आपके सामने पता चल जाएगा। लेकिन सीबीआई इस बात को अभी सीक्रेट रखी है और जल्दी आपके सामने ओपन कर देगी, क्योंकि अभी अगर पहले से ही ओपन कर देंगी तो सीबीआई की जो जांच चल रही है, जो एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो दोस्तों इसमें यह इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीबीआई और एनसीबी जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी वह शुरू से अंत तक जरूर करेगी और जल्दी आपके सामने वह सब कुछ आ जाएगा जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों एनसीबी का। हाँ दोस्तों, एनसीबी ने अभी हाल ही में एक जवाब दिया था कि हमें एसएसआर के केस में कुछ ऐसी कड़ी मिल चुकी है जिस कड़ी की हम अच्छे तरीके से छानबीन कर रहे हैं, यानी एसएसआर के केस में एक ऐसा टारगेट सा ऐसा कुछ मिल चुका है जिसकी वजह से एनसीबी लगातार लगी हुई है और जल्दी वो चेहरे आपके सामने होंगे। लेकिन एनसीबी के द्वारा जिस तरीके से एसएसआर के जितने भी नौकर थे वह दोस्तों अपनी कस्टडी में लिए, आप लोगों को पता है सिद्धार्थ पिटानी तो अभी भी कस्टडी में है, और जल्दी ही सिद्धार्थ ने दोस्तों कई ऐसे राज्य ओपन कर दिए गए हैं जिनकी फाइल इतनी लंबी चौड़ी बना दी गई है, जो फाइल आपके सामने आ जाएगी एक दिन। यह दोस्तों एनसीबी का सबसे बड़ा अपडेट, लास्ट अपडेट है जिससे दोस्तों आपके कान भी खुल जाएंगे। हाँ दोस्तों, लास्ट अपडेट मैं देना चाहता हूं एसएसआर के उन सभी दोस्तों को लेकर जो दोस्त एसएसआर के साथ रहते थे, एसएसआर के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते थे, उन दोस्तों की बात बताना चाहता हूं कि अभी दोस्तों सीबीआई एनसीबी इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और वे सभी लोग कहां गए जो कि खुद को अपना अच्छा दोस्त बताते थे, वह इस समय गायब हैं। सभी लोगों का मुंह बंद है, उन सभी लोगों का मुंह बंद है जो कि खुद को अच्छा दोस्त बताते थे, उन सभी लोगों का बंद है जिनके साथ एसएसआर ने मूवीज बनाई थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर टेंशन में है, अब वे लोग कौन है। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग एसएसआर के साथ रहते थे आज वर्तमान समय में उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद खराब हो चुकी है, दिन रात दोस्तों बस इसी बात को सोचते हैं कि क्या पता कब क्या फैसला आएगा एसएसआर के केस में, और क्या आएगा ये तो दोस्तों जिसने किया है वह भुगतेगा, जिसने किया है वह डर रहा होगा, अंदर से जल रहा होगा। आप लोगों को लगता है हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं एसएसआर के केस में जो भी मुजरिम है वह बचने से तो रहा, यानी कि जिस एसएसआर के साथ पूरा संसार हो तो दोस्तों
जिसने यह गुनाह किया है वह कैसे बच सकता है? आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।